एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे ऑन व्हाट इज नीट। सुना सपने होगा नीट के बारे में, बट आज हम एक एक चीज नीट के बारे में बताएंगे। विल डिस्कस एवरी पॉइंट अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इट इज ओनली द एंट्रेंस टेस्ट दैट इज टेकन ऑल ओवर द इंडिया टू गेट अ सीट इन मेडिकल कॉलेजेस, बी इट MBBS, BDS और अदर मेडिकल कोर्सेज। तो अगर आपको किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू क्लियर नीट। एंड नीट साल में सिर्फ एक ही बार होता है एंड दैट इज ऑल्सो ऑफलाइन मोड। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, राइट? सो विल गेट इन टू द बैकग्राउंड ऑफ नीट। इट केम इन 2016। उससे पहले इट वॉज नॉन AIPMT, या फिर क्या होता था, हर स्टेट के अपने एंट्रेंस टेस्ट होते थे। बट देन गवर्नमेंट केम विद द आइडिया कि एक टेस्ट लेंगे टू फॉर ऑल ऑफ द इंडिया, ताकि सबको इक्वालिटी हो। दैट इज द वे दे केम विद द नीट। सो टिल 2018 इट वॉज कंडक्टेड बाई CBSE, बट 2019 से इट इज कंडक्टेड बाई NTA। सो नेक्स्ट कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न, नीट का एग्जाम पैटर्न क्या है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी, हो सकता है पुराने वाली चीजें, लाइक अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो उस पर पुरानी चीजें बताते हैं कि नीट कंसिस्ट ऑफ 180 क्वेश्चंस। बट 2021 से क्या हो गया ना, कि वो जो 180 क्वेश्चंस थे, दैट हैव गोन टू लाइक 200 क्वेश्चंस। तो अब 2021 से नीट के अंदर 200 क्वेश्चंस होते हैं, 50 ऑफ फिजिक्स, 50 ऑफ केमिस्ट्री एंड 100 ऑफ बायो। उसके साथ साथ आपका टाइम लिमिट इज 3 hours 20 minutes एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, एंड टोटल मार्क्स इज स्टिल द सेम, दैट इज 720। देन गोइंग फर्दर अबाउट इज द एलिजिबिलिटी, वन ऑफ दोज इज दैट यू शुड बी 17 बाय द 31st December ऑफ द ईयर ऑफ एग्जाम। लाइक अगर आप नीट 2024 देना चाहते हैं तो 31st December 2024 से पहले या उस दिन आप 17 साल के हो जाने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर नीट। देन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज यू शुड हैव बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एज योर कोर सब्जेक्ट। ये चारों सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर नीट। एंड ऑल्सो यू शुड हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर 12th बोर्ड्स। पहले क्या होता था ना, कि काफ़ी सारे स्टेट्स दे यूज टू टेक स्टूडेंट्स इन MBBS और BDS कॉलेजेस जस्ट बाय द 12th एग्जाम, कि 12th में जितने मार्क्स आए उसके हिसाब से। बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको सिर्फ 50% चाहिए अपने 12th बोर्ड्स में टू बी एलिजिबल फॉर नीट। उसके बाद इफ यू परफॉर्म गुड इन नीट, यू कैन गेट अ वेरी गुड कॉलेज ऑल्सो। सो अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू टू क्रैक नीट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द सिलेबस। नीट का प्रॉपर सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बट ब्रॉडली स्पीकिंग नीट के अंदर इट कम्स इज 11th का एंड 12th का NCERT CBSE का जो सिलेबस है वो आता है। देन यू शुड प्रैक्टिस मोर ऑफ क्वेश्चंस। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे गिव मोर टाइम टू थियरी पार्ट, बट यू शुड फोकस मोर ऑन डूइंग क्वेश्चंस। यू शुड प्रैक्टिस मोर ऑफ क्वेश्चंस। ट्राई टू जॉइन एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, ताकि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिले, ताकि आपको पता हो कि कब पढ़ना है, कब एग्जाम देना है। यू शुड हैव सम प्रेशर ऑन योरसेल्फ, ताकि आप कंटिन्यू टू पढ़ते रहें। सो जॉइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड सॉल्व मॉक टेस्ट लाइक आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियोडिकली यू शुड सॉल्व मॉक टेस्ट, जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा व्हाट इज योर स्पीड, हाउ मच यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ मच यू हैव टू डिवोट टाइम टू विच सब्जेक्ट। सो ये टिप्स आप अगर फॉलो करते तो यू कैन गेट इजिली अ कॉलेज इन नीट। थ्रू नीट यू कैन गेट इजिली कॉलेज इन MBBS और BDS कॉलेज, वट एवर यू वॉन्ट। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, यूजफुल रही हो।